नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ठीक स्मार सुमित में। तो मैं सुमित आज आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ और इसमें आपको बताया जाएगा क्या कि अपने वीडियो की साइज़ को कैसे कम करें। जैसे कि जो यूट्यूबर होते हैं वो अपने वीडियो को अपलोड करने से पहले काफ़ी सोचते हैं कि मेरे पास कितना MB हो तो मैं कितना वीडियो अपलोड करूं। जैसे उन्होंने वीडियो बनाया तो या रिकॉर्ड को, जैसे मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो ये वीडियो कभी कभी 500 MB या 1 GB के पर ऊपर निकल जाता है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि रिकॉर्डिंग का बिट रेट और फ्रेम रेट साइज़ बड़ा होता है, तो इसलिए वो बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जो आपको कंप्रेस करके आपके वीडियोज़ को आपके क्वालिटी के हिसाब जैसे भी आप रखना चाहें वैसे कर देगा। तो चलिए आपको उस एप्लीकेशन का नाम बताते हैं। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये हर एक के पास वीडियो हो जाए और सब लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जान जाएँ और हमारे चैनल को भी कुछ इससे सहायता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है उसका नाम है वीडियो कंप्रेसर। तो आप ये सिंपली से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो कंप्रेसर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो फ़ोन में वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे कि कभी आपने कैमरे से रिकॉर्डिंग की तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही आज मैं आपको इसमें बताऊंगा एक गाना आपको, जैसे कि यहाँ पे दिखा दूँ कौन सा गाना बड़ा है, मैंने सब सारे गाने छोटे करके रखे हैं। तो अभी एक कंप्रेस में ये भी मैंने छोटा करके रखा हुआ है। चलिए इनमें से कोई गाना ही आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि मैं एक गाना ले लेता हूँ, इसका आप साइज देख सकते हैं यहाँ पे, ये इतना दे रखा है इसमें 78.5 MB। तो यहाँ पे काफ़ी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है कि कंप्रेस वीडियो, वीडियो को कंप्रेस करने के लिए, अगर आपको वीडियो काट के कंप्रेस करना है तो आप वीडियो कट करना आगे पीछे का कट करके भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो है वो फास्ट, चाहे तो इस वीडियो को फास्ट बना सकते हैं, मगर मेरा जो है अब यहाँ पे यही बताना है कि कंप्रेस कैसे करते हैं। तो आपको कंप्रेस पे क्लिक करना है, अदर आपको जो करना हो कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, कि क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जिस साइज़ में चाहे उस साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वही जो 78 MB का था, यहाँ पे आपको 8 MB 6 MB तक का मिल जाएगा। तो आप जितना भी छोटा चाहें उसे उतना छोटा बना सकते हैं। तो आप चले जाइए ऊपर, आपको जितना भी इसे बनाना है, यहाँ पे उसका 95% था, तो उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं इसे 720 पिक्सल पर करता हूँ। 720 पिक्सल पर भी ये आधे का भी नहीं रह जाएगा, 36 MB देख सकते हैं अब बन रहा है ये। और अभी मैं इसे बैक कर लूँगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, इसे वहीं पे ले जाते हैं फिर और देखते हैं इसे कम करके, ये कम हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और बताएं कमेंट करके कि आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा, और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिससे आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे वीडियो में सॉरी, अगर हमारे चैनल पर आपको कोई भी वीडियो बनवाना है, जैसे आपको किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी कोई भी ट्यूटोरियल आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका जो भी वो होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी आपको पूछना है मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा तुरंत उसके दूसरे दिन ही। तो आप कमेंट करके हमें बताइए और जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा मैं आपका वीडियो बनाता जाऊँगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी एप्लीकेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, या आपको कुछ वेबसाइट वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इन सब के बारे में आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो चलिए, हमारा वीडियो कंप्रेस हो रहा है तो थोड़ा मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो 99% हो गया है, 99.95 हो गया है। तो देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस होने के बाद ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। तो मुझे प्ले नहीं करना, अपने मैं गैलरी में जाके देखूंगा और उसके बाद आपको मैं अदर ऑप्शन बता दूं। मैंने वो वीडियो जो है वो कंप्रेस कर लिया, वो 36 MB का हो गया जो 78 MB का था। तो ऐसे करके आप अपना स्टोरेज भी बचा सकते हैं जितना भी चाहें, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिटी अगर चाहें तो ऐसे ही गाना उतना साइज़ का ही रहने दें और इसका बिटरेट रेजुलेशन कम कर दे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये 7 MB का ही गाना रह गया है उतना बड़ा, और इसका फ्रेम रेट को कम करना चाहिए तो फ्रेम रेट कम कर दें तो ये उतना बड़ा ही गाना ये 4 MB का हो गया। इससे बेटर कौन सी एप्लीकेशन है भाई जो आपका ऐसा गाना
मतलब सॉरी ये गाना इतना छोटा करके दे दे। और आप चाहें तो इसे MP3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका वीडियो भी डिलीट कर सकते हैं। और अदर ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन्हें जो भी आप यूज़ करना चाहें अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप इसमें काफ़ी वर्क कर सकते हैं। मतलब आपका स्टोरेज बचाने वाला है, और यूट्यूब अपलोडर हैं उनमें उनकी MB बचाने वाला है। तो चलिए ये वीडियो जो मैंने कंप्रेस किया था वो आपको दिखा दें, फिर इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। तो मैंने जो कंप्रेस किया है वो ये हुआ, ये रहा मेरा गाना। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो गाना है वो उसी क्वालिटी में बज रहा है, और क्वालिटी भी वही है। और मेरा साइज भी इसका दिखा दें आपको, ये 78 MB का था, अब यहाँ पे इसकी MB बची हुई है 39, ये 39 MB का ही रह गया। और ये जो रियल क्वालिटी थी वो आपने देखा ही था। तो चलिए इस एप्लीकेशन का यूज कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन लेके तुरंत आपके पास आऊँगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।